अगर आप एक फार्मासिस्ट बनने का सपना देखते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा फार्मासिस्ट जॉब करने का आपकी ख्वाहिश है, या फिर आपको अपना मेडिकल शॉप खोलने की इच्छा है और मेडिकल के फील्ड में बिजनेस में नाम कमाने का आप अपने अंदर एक जुनून देखते हैं, तो आपके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए कॉलेज बहुत ही बेस्ट है। इस कॉलेज से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534029782 पर पूछ सकते हैं। ये PCI से पूरी तरह अप्रूव कॉलेज है और विगत 5 वर्षों से यहाँ फार्मासिस्ट के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जा रहे हैं। और आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाने के लिए मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष माननीय श्री मंटू पटेल जी ने ग्वालियर में दिए गए अपने इस इंटरव्यू में और जो दैनिक भास्कर में खबर छपी है, इसके अनुसार उन्होंने साफ कहा है कि फार्मेसी एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव नए सत्र से लागू होगा। और ये नए बदलाव में एग्जिट एग्ज़ाम भी संबंधित है और जो नया पैटर्न उन्होंने लाने जा रहे हैं, जो नया सिलेबस, उसके अनुसार एक ऐसा सिलेबस तैयार किया जा रहा है जिससे विदेशों में फार्मासिस्ट को नौकरी करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो जिन विद्यार्थियों के मन में ये संशय था कि एग्जिट एग्ज़ाम क्या 21-23 के विद्यार्थियों को, 19-21 के विद्यार्थियों को, 20-22 के विद्यार्थियों को या 18-20 के विद्यार्थियों को देना होगा, या जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और वो पास हो चुके हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस दिए गए न्यूज़ से ये साबित हो जा रहा है कि जो भी नया चीज़ लागू होगा वो नए सत्र से लागू होगा। और नए सत्र से लागू होने का मतलब ये जो अभी नया सेशन चालू होगा आपका 22-24 का, और 2022 से जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में सेशन चालू होंगे वहाँ पर सारी नई चीज़ें लागू होंगी जिनमें एग्जिट एग्ज़ाम भी शामिल है। इससे संबंधित और भी डिटेल जल्दी आ जाएगी जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।